प्रेस्टीज एसोसिएशन हॉल पटना बिहार। नमस्ते सर। नमस्ते आप सभी दर्शकों को। क्या समाचार है? क्या समाचार है सर? ठीक है सर। आज आपने जो प्रोग्राम किया था अवेयरनेस वर्कशॉप ऑन कॉलेज टीचर ऑन एनवायरमेंटल हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, आपने तो विषय बहुत ही अच्छा चुना है, क्योंकि आज जो है कंप्यूटर के इस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत बढ़ता जा रहा है और ये लोग जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं लोग, और इसका पर्यावरण पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में विगत 4 महीनों से इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट एंड इको डेवलपमेंट कचरा के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कचरा प्रबंधन पर काम कर रहे हैं। हम खास करके स्कूल के जो टीचर्स हैं, कॉलेज के जो टीचर्स हैं, प्लस रिफॉर्मेशर्स हैं और बल्क कंज्यूमर, इस पर भी फोकस किया है। सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल भी? सरकारी स्कूल, केवल सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, जो 25 कॉलेजेस को हमने अभी इसमें पाली फेज में लिया है और 25 कॉलेजों में हम इको क्लब फॉर्मेशन कर रहे हैं, और उस इको क्लब फॉर्मेशन में एक कॉलेज में 50-50 बच्चों को हमने उसमें मेम्बर बनाया है, ताकि हमारा है कि जो ई वेस्ट जो जनरेट होता है घरों से वही सेग्रीगेशन हो और इसका सस्टेनेबल निपटारा हो, तभी हम सुनहरे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं और हम अपने शरीर पर जो हमारे मानव जीवन पर में जो खतरा मर्रा रही है उसको हम कम कर सकते हैं। सर, आप दर्शकों को ये बताइए कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है, इसका पर्यावरण पर और मानव स्वास्थ्य पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे घर में अभी आज का दिन हमें बेतहाशा हम यूज कर रहे हैं, टीवी को, फ्रिज को, हमारे जीवन से जुड़ चुका है मोबाइल्स, एक एक आदमी के पास में 2-2 मोबाइल्स, 3-3 मोबाइल हैं। इसमें 2 प्रकार के एलिमेंट इस्तेमाल होता है, एक तो हमारे प्रेशियस एलिमेंट होता है जैसे कि गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, दूसरा हमारा टॉक्सिक एलिमेंट होता है जैसे लेड, कैडमियम, इसका इस्तेमाल होता है और पॉल्यूटेंट इससे होता है। इस पॉल्यूटेंट से हमारे जीवन का बहुत बड़ा प्रभाव है और धीरे धीरे क्या हो रही है, हमारी जंगल, जल, जमीन में वह कंटामिनेशन होते जा रहा है और पानी के माध्यम से हमारे शरीर में फूड चेन में भी शामिल हो रहा है वो। जी, इसलिए फूड चेन में बीमारी शामिल हो रहा है। इसका सही निपटारा के लिए भारत सरकार ने 2016 का गाइडलाइन तैयार किया, उनके माध्यमों से सस्टेनेबल हम इसका रीयूज के लिए वो पर रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा, जो बल्क कंज्यूमर है उनको चिन्हित किया जा रहा है, जो आप अपने यूज को, प्रोडक्ट को अपने का सस्टेनेबल यूज कीजिए, जो घर से निकलते हैं कचरा उसको जब खुद जनरल कबाड़ी वाले को मत दीजिए, इनफॉर्मल सेक्टर को मत दीजिए, फॉर्मल सेक्टर को दीजिए, रजिस्टर्ड रिसाइकलर को दीजिए, ताकि उसका सस्टेनेबल रिसाइकलिंग किया जा सके। इस विषय में तो समाज में जन जागृति की का भी अभाव है ना, लोग जानते नहीं कि कहाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को दूँ। 4 महीनों से हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने ये उसकी पहल की और उनके पहल के माध्यम से नास्काम फाउंडेशन के साथ हम जुड़े हुए हैं। 4 महीनों से हम अभी लोगों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागृति पैदा की है, ई रिक्शा के माध्यम से लोगों में घर घर जाकर के, कॉलेज में जाकर, कहाँ ये कौन कौन से शहर, ये पटना में केवल सिर्फ अभी पटना के 25 कॉलेजों जो मंगल हैं, हम पटना साइंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज हमारी गई है, एएन कॉलेज टीम गई है, बीएन कॉलेज हमारी टीम गई है, आईटीआई दीघा कॉलेज गई है, पॉलिटेक्निक महिला कॉलेज गई है, डिफरेंट कॉलेज, हाई स्कूल, स्कूल्स में भी हमने, कौन कौन से केंद्रीय विद्यालय भी, केंद्रीय विद्यालय भी हमारी टीम गई है, डिफरेंट जगह पर हम जाकर के कॉमन प्लेस पर में जाकर के, हम बोरजा लोग में जाकर के किए हैं, राजधानी नाटका में किए हैं, हर एक जगह जाकर के लोगों का अवेयरनेस करने का काम किया है और जिससे लोगों में जागृति आई है, और सरकार ने 2016 का जो रूल बनाया है वो काफ़ी सशक्त है, जो मैन्युफैक्चरर है उनको बायबैक करना है, इसीलिए लोगों में जागृति आएगी और सस्टेनेबल ढंग से होगा तो हम तभी निजात पाएंगे, और हर एक सेक्टर के, हर एक स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व होने की जरूरत है। ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का अगर उसका जो नियम है, उसका जो कानून है, उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो क्या उसे कोई सजा भी है? उसकी सजा है, उसमें 25,000 तक की सजा दी जा रही है और 6 महीने का कैद का भी सजा है, ये सख्ती से स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सख्ती से लागू करने जा रहा है। अभी लागू नहीं हुआ? अभी लागू हो गया है, और चूंकि लोगों में अवेयर नहीं है, जानकारी नहीं है, जिसको हम घर घर जाकर के हर एक प्लेटफॉर्म पर जाकर के लोगों में जागृति लगा। ये कानून किस पर लागू होगा? ये कानून खास करके 8 स्टेक होल्डर के जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर पर में खास करके उनको बायबैक करना है, अपने प्रोडक्ट को, पुराने प्रोडक्ट को लेना है तभी वो नया प्रोडक्ट लागू कर सकते हैं, जो रिफॉर्मिशर है वो इधर उधर प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते,
वो प्रोडक्ट को सस्टेनेबल चैनल के माध्यम से रिसाइक्लर को दे सकते हैं। कंज्यूमर को नहीं है ना, कंज्यूमर को नहीं, कंज्यूमर को भी इसमें जागृत करने को कहा गया है। उनको मेन तो कंज्यूमर भी हैं, उनको भी जागृति की जरूरत है। वो वैसे ही रिसाइक्लर को दे, वैसे पूरा कचरा कलेक्टर को दे जो रजिस्टर्ड हो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, वो जनरल इन्फॉर्मर को नहीं दे, ये जागृति करने की जरूरत है। पटना में कहीं कलेक्शन सेंटर है क्या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का? पटना में कलेक्शन 7 कलेक्शन सेंटर है। कहाँ कहाँ है आपको? एक है पाटलिपुत्रा में, एक बालवी के बगल में, वहाँ रिसाइक्लर भी है बालवी के बगल में, वहाँ पर आप दे सकते हैं। अब धीरे धीरे जो कंपनियाँ यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है वो कंपनियाँ प्रोडक्शन कलेक्शन सेंटर बना रही है। हाँ, वो क्या करता है जो प्रोडक्ट है उस पर लिखा भी रहता है, प्रोडक्ट लिखा भी रहता है। जी जी, उस पर लिखा भी रहता है। जी जी जी, हाँ ऐसा रहता है लिखा हुआ, मैंने देखा भी है। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नस्काम फाउंडेशन को, उनके सोच के कारण, प्रधानमंत्री जी के सोच के कारण ये पायलटिंग बेसिस पर पटना में इस प्रोजेक्ट को सर जमीन पर हमने बताया। ये जो आपका अवेयरनेस प्रोग्राम, ये अवेयरनेस वर्कशॉप ऑन कॉलेज टीचर जो है, वो पहली बार आप कर रहे हैं या इससे पहले भी आपने किया है? इससे पहले हम लगभग 5 महीनों से इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं डिफरेंट सेक्टर के साथ। ये खास करके हमारे कॉलेज टीचरों को ओरिएंटेशन था, जो 25 कॉलेज टीचर हम फॉर्म कर रहे हैं, उन टीचरों को हम कैपेसिटी बिल्डिंग किया है और उनके माध्यम से स्टूडेंट हम उसको सेंसिटाइज कर रहे हैं। आज कितने पार्टिसिपेंट्स थे? आज कितने? करीब 41 पार्टिसिपेंट। 41 पूरे बिहार के? नहीं, पूरे पटना, पूरे पटना डिफरेंट कॉलेजेस। आपका परिचय सर? मेरा परिचय IN.Jha, मैनेजिंग डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट एंड पटना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों को भी नमस्कार।